सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28S डिवाइस के अंदर स्लाइडिंग इफेक्ट सेटिंग्स के बारे में। एंड गाइस एक हिडन सेटिंग्स भी बोल सकते हैं, काफी कम लोग इसको एक्सेस करते हैं, जो आपका होम स्क्रीन है उसको स्टाइलिश बना सकते हो स्लाइडिंग करने पे, तो हम इसको स्लाइडिंग इफेक्ट सेटिंग्स भी बोलते हैं। एक छोटा सा डेमो करते आपको दिखाते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट सेटिंग्स को यूज कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर स्लाइडिंग इफेक्ट सेटिंग्स को एक्सेस आउट करने के लिए हमें डिस्प्ले के किसी भी ब्लिंक एरिया पे लॉन्ग प्रेस करना है, या फिर आप लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाली सेटिंग्स के अंदर जाके होम सेटिंग्स को आप फॉलो अप कर सकते हो। काफी इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी ब्लिंक एरिया पे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा होम सेटिंग्स, और यही होम सेटिंग्स आपको सेटिंग में मिली जाएगी। इसको प्रेस करना, यहाँ पर स्लाइडिंग इफेक्ट्स है इसको प्रेस करना। अब ये स्लाइडिंग इफेक्ट्स आपको मिलना जब भी आप स्क्रॉल करते हैं एप्लीकेशंस को, इस तरह से शो कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये फ्लिप करेगा इस तरीके से, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो। ये कुछ आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, ट्रांजिशन है ये, आप इनमें से किसी को भी एक्सेस आउट करोगे सेम एक्टिविटी करेगा आपके स्क्रीन पर। लेकिन ध्यान रखना ये ड्रॉवर ऐप ड्रॉवर वालों के लिए नहीं है, वैसे तो आपके फोन के अंदर ऐप ड्रॉवर और स्टैंडर्ड मोड दोनों साथ में मिलता है, तो ये आई थिंक आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो एक बार जाकर ट्राई कर सकते हो इस स्लाइडिंग इफेक्ट सेटिंग्स का।